बीरबल, पिछले 40 सालों में हम इतना नहीं नाचे हैं जितना इस कयामत ने हमें नचा दिया। अरे क्या अजीब अजीब से नृत्य करवाती है हमसे, कभी सांप नृत्य, कभी नेवला नृत्य, कभी चिपकली नृत्य, कभी मुर्गी नृत्य। हमारी फजीयत पे आपको हंसी आ रही है? कयामत आ रही है। हम पर जो हंसता है उसकी कयामत ही आती है। नहीं जापना, वहाँ सामने से शहजादी कयामत आ रही है। अरे कहाँ चले गए जहापना आप? जहापना वो आप छिपे ना, आप छिपे इसलिए हम भी छिप गए, वरना इस तरह किसी को देखकर छिपते छिपते नहीं है हम। कयामत जी, बीरबल हम मानते हैं कयामत बहुत बड़ी मुसीबत है, कोई रास्ता निकालिए ना, इन्हें हटाइए ना हमारे महल से किसी तरह। फिक्र मत कीजिए जापना, आज शाम तक ये मुसीबत आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। सच जापना? जापना छई छप्पा छई, कहाँ चले गए मेरे होने वाले शोहर? ओफो, परेशान हो गई हूँ मैं। कहाँ हो आप जापना? छई छप्पा छई, छई छप्पा छई। ये जापना को ढूंढ रही, जहां पना छुपे हैं ये बात समझ में आती है, पर बीरबल आप क्यों छुप रहे हैं? छई छप्पा छई। बीरबल कहां थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। छई छप्पा छई। हमें ढूंढ रही थी? पर आप तो जहां पना पुकारते हुए जहां को ढूंढ रही थी ना। अरे वो तो मैं इसलिए जापना को ढूंढ रही थी ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि तुम कहाँ हो छई छप्पा छई। हम कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा नाच देखना है छई छप्पा छई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोर नृत्य बहुत अच्छा कर सकते हो छई छप्पा छई। सही फरमाया आपने। अरे बीरबल तो क्या कमाल का नृत्य करते हैं। उर्वशी को नृत्य किसने सिखाया? किसने? आपने, इन्होंने सिखाया। हाँ। ये कोई मोर नृत्य करवाना चाहते हैं हमसे। हमारी फजीयत पे बड़ी हंसी आ रही थी ना आपको, अब भुगतिए आप। हम आपको इनके बारे में एक और चीज बताते हैं, ये जितना ज्यादा नृत्य करते हैं ना उतना इनका नृत्य बेहतर होता जाता है। अरे इसे थोड़ा ज्यादा करवाइए और करवाइए। जहाँ बना लेकिन मोर नृत्य, मोर नृत्य तो सबसे अच्छा करते हैं ये, मोर का ना। अरे सबसे अच्छा करते हैं नृत्य ये। अरे नहीं नहीं जापना, हम कोई नाचने वाचने वाले नहीं है और आपकी जिद तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। छई छप्पा छई, अगर तुमने इसी वक्त मोर नृत्य शुरू नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, दिखाइए दिखाइए। करते हैं मोर नृत्य। अरे वाह 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 वाह, कमाल का नृत्य कर रहे हैं। वाह 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 वाह, करते रहिए करते रहिए। सहिकून हम, हमारी नई अम्मी जान आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। छई छप्पा छई, ये वासु कहाँ है? अरे वासु को तो आपने अपने तंबू जैसे कपड़े धोने के काम में लगाया है ना। पुरानी अम्मी जान शोर मत करिए, हमारी नई अम्मी जान को शोर शराबा पसंद नहीं है। चुप कर। अरे क्या नई अम्मी जान पुरानी अम्मी जान लगा कर रखा है, उठो। छई खून हम, और हमने फैसला कर लिया है कि जो हमारी नई अम्मी जान को हो पसंद वही बात करेंगे।
वरना ये हमसे नृत्य करवाती है और नृत्य कर करके हमारा अंग अंग ढीला पड़ गया है। छाई छप्पा छाई, अब तुम्हारे पुरानी अम्मी जान नृत्य करेगी शहजादे। खबरदार, हम कोई नाच वाच नहीं करेंगे और ये तुम्हारा ये पागलपन है ना, हम पर नहीं चलेगा। छाई छप्पा छाई, अब जब तक तेरे पैर चले गए तब तक ये खंजर रुका रहेगा। तेरे पैर जैसे रुके वैसे ये सीधा खंजर सलीम की गर्दन पर चलेगा। हमारी पुरानी अम्मी जान, हमारी नई अम्मी जान जो कहती है वो कीजिए। रुकिए रुकिए, ए रुकिए, हम नाचने को तैयार है। देखो देखो, हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं। हमारी नूर चश्म कैसी है? मैं अच्छी हूँ अब्बू जान। छाई चप्पा छाई। आदाब शहंशाह अकबर। आदाब। आदाब जहांपनाह। कयामत बेटा, आपको यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? आप जी, बेटी को तो कोई खास तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ तो बाकी सारे लोगों को हो रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अबूजान। मैंने तो फैसला कर लिया है, अब यही रहूंगी और यही मरूंगी। सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है। तो शहर के बाहर क्या गीदड़ के नाम से जाने जाते हैं ये? पूछता हूँ, शहर के बाहर क्या गीदड़ के नाम? शेर की बेटी का फैसला तो आप लोगों ने सुन लिया और इसे ये जगह ये लोग सब पसंद आ गए। बादशाह अकबर, आपने क्या फैसला किया है? आप हमारी बेटी से कब निकाह करेंगे? कभी नहीं, अभी नहीं। जा पना के कहने का मतलब है अभी नहीं, अभी के बाद कभी भी। माफ करना बादशाह अकबर, सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है। और याद रखना, शेर बेवकूफ नहीं होता। हमें साफ नजर आ रहा है कि बादशाह अकबर को हमारी बेटी पसंद नहीं। वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि हमारे जहां बना बड़े शर्मीले, सबके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते। एक बात आप लोग सब कान खोल के सुन लीजिए कि हमारी बेटी का निकाह शहंशाह अकबर से आज ही होगा। आज? अरे आप तो सिर्फ जुबान से कह रहे हैं ना, जहां बना ने तो शादी का जोड़ा भी सिलवा लिया है। कठोर बिरबल, अगर बादशाह अकबर हमारी बेटी से शादी के लिए राजी है तो अभी तक इन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया?
हाँ क्यों नहीं किया बताइए, आप बताइए बीरबल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? जुमेरात का इंतजार कर रहे थे जापना। जुमेरात को जापना अपनी और कयामत जी की निकाह का ऐलान करने ही वाले। ये मत भूलना कि सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है, और हम ये ऐलान करते हैं कि बादशाह अकबर ऐलान करे या ना करे कि हमारी बेटी का निकाह आज शाम को ही होगा। तालियां। होगा होगा, आज शाम को ही होगा। तालियां तालियां तालियां। आप किस लिए गुस्सा हो रहे? आपने कितनी शादियां की हैं? 3। हमारी दूसरी की बात चल रही है, हम बजाएं? तक लिया। ये पागल मरण का नाटक करते करते कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊं। ये तो मेरे हमदम लिया का तक खत लग रहा है। मेरी प्यारी जानशीन, हालात पूरे ऐसे बन गए हैं कि अब हर हाल में बादशाह अकबर से तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की शादी तुड़वाने की, पर नाकामयाब रहा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम ये दुनिया जहान छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएं। अपनी जरूरत की चीजें लेकर आज रात तुम मुझे महल के पीछे वाले दरवाजे पर मिलना। तुम्हारा हम सफर लियाकत। पीहू पीहू, कोयल बाजे, तुम्हें यहाँ आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? कम्मो नहीं मेरे हमदम, मैं तो यहाँ सबके नजरें बचा कर आई हूँ। क्या किस्मत है हमारी कम्मो, हम बचपन से एक दूसरे को दीवानों की तरह प्यार करते हैं, पर ऐसे छिप छिप कर। पीहू पीहू कोयल बाजे। मेरे हमदम उदास मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम चीख चीख कर सारी दुनिया से कहना चाहते हो कि तुम कयामत से कितना प्यार करते हो, पर मैं ही तुम्हें खामोश कर देती हूँ। पर हमारे प्यार का मुकद्दर तो देखो, हमें शादी भी चोरी चोरी चुपके चुपके करनी पड़ रही। पीहू पीहू कोयल बाजे। नहीं मेरे हमदम, तुम मेरे अब्बा को गलत मत समझो, वो भी मजबूर है, पर हमारे खानदान का दस्तूर ही है कि हर लड़की की शादी बादशाह से ही होगी, नहीं तो वो सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो पाएगी, फिर तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? पीहू पीहू कोयल बाजे। नहीं मेरे हमदम, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तब तो मैं शादी का मतलब ही नहीं जानती थी। पीहू पीहू कोयल बाजे, अगर प्यार किया है तो दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी रखो, और यूं चोरों की तरह भागकर शादी करने का फैसला क्यों किया है? मेरे हमदम, मैं तो तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई थी, वरना भागकर यूं शादी करके अपने वालिद की इज्जत को खाक में मिलाने से तो अच्छा है कि मैं पागल बनकर सारी जिंदगी यूं ही काट लूं। क्या क्या क्या, भागकर शादी करने का फैसला मेरा नहीं तुम्हारा है कम्मो। पीहू पीहू कोयल बाजे, कैसे बातें कर रहे हो मेरे हमदम, मैं तो तुम्हारा ही लिखा हुआ खत पढ़कर यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हें कोई खत नहीं लिखा, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारा खत पढ़कर यहाँ आया हूँ। पीहू पीहू कोयल बाजे। पर मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा। मतलब तुमने मुझे खत नहीं भेजा, और मैंने भी तुम्हें खत नहीं भेजा, फिर हमें खत भेजा किसने? पीहू पीहू कोयल बाजे, हमने भेजा। माफ कीजिएगा लियाकत जी,
पर हमने और बाकी सब ने छिपकर आप दोनों की प्रेम की दास्तां सुन ली। क्यों तो रमखान जी, आपने भी तो सुनी। सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है। हम बहुत पहले से जानते थे कि हमारी बेटी कयामत और हमारे वजीर लियाकत एक दूसरे को प्यार करते हैं। अरे जब आप पहले से जानते थे कि आपकी बेटी लियाकत से प्यार करती है तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा दी आपने? सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है। अरे ये बात हम जानते हैं, आप आगे बताइए ना। हमारे घर की लड़कियों की शादी सिर्फ बादशाहों से होती है। और आपके इस दस्तूर ने आपकी बेटी कयामत को पागलपन का नाटक करने पर मजबूर किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है शेर खान, हमारा मतलब है तुर्रम खान जी, कि आपकी बेटी इसलिए पागलपन का नाटक करती रही ताकि कोई भी इससे शादी के लिए हां न कहे। आपकी अच्छी खासी प्यारी सी बेटी ताउम्र पागल बनी रही सिर्फ आपकी जिद की वजह से। और ये लियाकत जी जो है ये नियायती शरीफ लड़के, ये आज भी आपकी बेटी कयामत को भगाकर इनसे शादी नहीं करना चाहते। देखिए जरा तुर्रम खान जी, कितना प्यारा हंसों का जोड़ा है, इस बात पे हम भी थोड़ा हंस ले। मजाक कर रहे हैं। वैसे वीरबल एक बात बताइए, आपको पता कब चला कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं? जापना किसी भी इंसान का चेहरा उसके हालात की गवाही देता है। जब भी कयामत जी की शादी की बात हुई तो लियाकत जी का चेहरा सफेद पड़ गया। बादशाह अकबर, आपने क्या फैसला किया है? आप हमारी बेटी से कब निकाह करेंगे? इसी बात से हमें इन पर शक हुआ और हमने इन पर नजर रखना शुरू किया। आज फिर आप उदास बैठे हैं। उदास रहना तो अब हमारी तकदीर बन गई है सिपाही। एक तुम ही तो हो जिससे हम अपने दिल की बात कर लेते हैं। पीहू पीहू कोयल बाजे। वजीर आजम, शहजादी कयामत आपसे इतना प्यार करती है तो फिर आप उनको भगा के क्यों नहीं ले जाते? नहीं सिपाही, जिसे प्यार करते हैं उसे सरे बाजार रुसवा नहीं करते। मैं कयामत से तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक उसके वालिद खुद उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं दे देते। पीहू पीहू कोयल बाजे। और ऐसा कभी होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। नहीं होगा तो ना सही, मैं उम्र भर कुंवारा रहूंगा लेकिन कयामत और उसके घर वालों की बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। हुजूर, हमारी सेना ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, आपने अपने सैनिक को पहले भेज दिया लेकिन बाद में वापस बुलवा लिया, ऐसा क्यों? मेरा प्यार मतलबी हो गया था। मैंने ये सोचकर सैनिकों को वापस भेजा था कि हमारी सेना कमजोर हो जाएगी और मुगल जीत जाएंगे, ताकि हमारे बादशाह तुर्रम खान कयामत की शादी जबरदस्ती बादशाह अकबर से ना करवा सके। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये गद्दारी है, मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं हो सकता। तुर्रम खान जी, आप एक बात समझ लीजिए, शादियां वही अच्छी होती हैं जो लड़का और लड़की की पसंद से की जाए, ना के जबरदस्ती से। शादी जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। और यकीन मानिए तुर्रम खान जी, आपकी लड़की के लिए आपको लियाकत जी से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। सारा शहर हमें शेर के नाम से जानता है, क्या आप इस शेर के दामाद बनेंगे? जी जरूर। पीहू पीहू कोयल बाजी। लियाकत की हिमाकत। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। वाह बीरबल वाह, आज आपने एक लंबे से बाप की एक मोटी सी बेटी छोटी सी बेटी को उसके प्यार से मिलवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।